हेलो गाइस, मेरा नाम पवन कुमार, आपका स्वागत करता हूँ M&A to Z में। आज हमें इस ब्लॉगिंग करने का मौका मिला है इसलिए क्योंकि आज हमारे मोहित भैया का जन्मदिन है, तो आज हम उसको पार्टी देंगे एक सरप्राइज के तौर पे। पार्टी लेंगे देंगे भी सरप्राइज के तौर पे। यस, तो आज हम रानीखेत जा रहे हैं इसी प्लानिंग से कि कुछ हो पाए। तो आज हमारे मोहित भाई भी आ चुके हैं, ये देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल M&A to Z में। तो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास है और आप सभी के लिए भी बहुत खास होगा क्योंकि आज है, पहली बात तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का है जन्मदिन, और आज हमारे कुमाऊँ के लिए भी बहुत खास दिन है क्योंकि आज हमारे कुमाऊँ में खतुड़ा भी मनाया जाता है, और बाकी आज विश्वकर्मा दिवस भी है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इन सभी दिवसों की। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रानीखेत मार्केट में इन्होंने क्या सरप्राइज रखा है, बाकी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं ऊपर चिन्ना, और यहाँ पे एक दो दोस्त और हैं हमारे, यहाँ पे गौरव भंडारी। तो गौरव भंडारी भी आ चुके हैं यहाँ पे। हेलो, और विश करेंगे हमारे मोहित भाई को। थैंक यू जी। तो फाइनली हमारे एक दोस्त और आ चुके हैं, दिनेश सीएस बीट, काफी लेट करते हैं हर जगह पे। फूल नीला फूल दिनु भैया बेटी फूल दोबारा दे। बैग हमारा बर्थडे है, फिर तो हम रानीखेत की ओर जा रहे हैं। खुशी हो रही है, बहुत खुश है आज, हम भी बहुत खुश हैं। हमारे दोस्त का बहुत टाइम का बर्थडे बर्थडे काफी सालों बाद मना रहे हैं, सालों बाद मना रहे हैं। पूरे एक साल हो चुका है आज, पूरा दो साल तक, दो साल कोरोना में चले गया वो, तो इसलिए हमको ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। तो आज हमारे मोहित भाई के साथ हम बाजार को जाते हुए कुछ अंतिम क्षण, बस कुछ ही टाइम बचा है, बस हमको साथ में। बस मोहित भाई किधर होंगे, हम किधर होंगे, मैंने पूरा नहीं बचा महीना, बस तो एंजॉय करेंगे जितना जितना हो सकता है। वैसे परसों पेपर भी है, उसके लिए पढ़ना भी है, उसके लिए पढ़ लेंगे, जिंदगी भर ही पढ़ना है। इसीलिए हमने दिन चुना है आज, रात किसी की बर्बाद नहीं होनी चाहिए, रात किसी की बर्बाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि रात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सबके लिए। 5 से 6 घंटे मिलते हैं दिन में, हम कर्फ्यू नहीं थी, बुरा 12 घंटे भी मिलते हैं, तो हम लगभग दिन में तो हमारा टाइम बर्बाद ही रहता है। 2 घंटे 3 घंटे तो बाद में बात करते हैं। फाइनली गए, 3 लोग हमें और मिले हैं यहाँ पे जो विश करेंगे मोहित भाई को। ये देखिए पूजा को, देखिए पूजा को काफी बहुत शर्माती हैं। ये देखिए विश करे जा रहा सबको। ये काफी शर्माती हैं पूजा यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो गैस हम रानी को जा रहे हैं। तो गैस फाइनली अभी सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं, बाकी पवन भाई तो आपको ब्लॉगिंग करते हुए मिल ही रहे होंगे इस बार के ब्लॉग में, बाकी सबका इंट्रोडक्शन क्या करना है, आप सभी लोगों को जानते हैं फिलहाल, एक शायद एक शख्स को नहीं जानते होंगे, ये शख्स को नहीं जानते होंगे आप अभी तक, क्योंकि बहुत ब्लॉग में दिखता है। वैसे मैंने आपको परसों मिला आपको ब्लॉग, यदि हमारा कॉलेज ब्लॉग दिखा होगा फेयरवेल वाला, तो उसमें ये शख्स लेट आने वाला शख्स था, तो यही शख्स था, तो उस दिन किसी परिस्थिति में खराब चल रहा था, तो उस दिन आपको कलरफुल लगा था, पर आज बहुत ज्यादा कलरफुल बन गया है, तो लाल फूल नीना फूल, और इनका डायलॉग क्या है, वही भैया ब्यूटीफुल बस। तो गाइस फाइनली अभी हम रानीखेत पहुंचने वाले हैं, और जस्ट रानीखेत पहुंचते हैं, आगे का नज़ारा आपको हमारे पवन भाई दिखाएंगे ब्लॉग में, तो बने रहे और ब्लॉग को पूरा देखें। यदि आप यहां तक आ चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। मोहित अपने साथी से मिलते हुए यहाँ पे विश कर रही है, यहाँ पे भावना रोतेला नाम है इनका, और विश कर रही है। तड़ियाल जी भी साथ में हैं, तड़ियाल जी काफी शर्माते हैं, काफी शर्मीले किस्म के इंसान हैं, मास्क लगा रहे हैं अभी। देखिए मोहित भाई हमारे ड्रेसिंग बंदे हैं एकदम। हाय करिए,
ठीक हो गया, डोर वाला पोज भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम तो रानीखेत पहुंच चुके हैं, लेकिन मोहित भैया हमारे गायब हो गए, जो पार्टी देने वाले थे हमें, अब वो तो मिलना मुश्किल लग रहा है। वो कहीं तामा ना दे दे हमें, कहीं गुड़िया के बाली ना खिला के भेजा हमें घर को, हो सकता है। ये देखिए, अब देखते हैं कहाँ पर मिले। हमारी नजरें काफी ढूंढ रही हैं मोहित भाई को, लेकिन अफसोस मिल नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ मिल जाएं। देखते रहिए, आप भी ढूंढिए, कहीं मिल गए तो उंगली लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में मारिएगा कि कहाँ पर दिखे आपको, जरूर मारिएगा। हम वेट करेंगे आपका, हल्द्वानी जाने के लिए कह रहे हैं हमसे भैया। तो फाइनली मोहित भैया हमें मिल चुके हैं, वो देखिए, ये देखिए मोहित भैया हमें मिल चुके हैं। दिनेश सती, नेहा एंड पूजा, पूजा तो काफी शर्माती हैं, मास्क पहने हुए हैं। ये देखिए, गौर से देखिए, तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। तो आज त्रिभुवन होटल में ही जाया जाएगा यहाँ पे, रानीखेत के सुभाष चौक पर। नीमा भी यहाँ पर खड़ी है, आप देखते हैं, अभी गौरव भंडारी भी जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, मिलन होता होगा इनका। तो मोहित भी आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए नीमा से मिलते हुए। तो मोहित भाई के लिए गिफ्ट भी लिया है हमने यहाँ पे। आज हम डोलिया पहाड़ी का रास्ता इधर से है, तो हम जा रहे हैं अब। देखिए, ये देखिए मोहित भाई का बर्थडे, मोहित भाई का बर्थडे है, सेलिब्रेट करना ही है हमने आज। केक केक लाए हम। तो देखिए, सारे सारे भुक्कड़ी लगते हैं मेरे को देखने पर। तो वो तड़ियाल जी अगला बता रही है, तड़ियाल जी तो काफी ज्यादा है, तड़ियाल जी तो घर से कुछ खाके भी नहीं आए, यही खाएंगे सब। जा रहे हैं अंदर डोलिया पहाड़ी में एंट्री, और कुछ दर्शक पीछे भी आ रहे हैं, नेहा पूजा और दिनू और मोहित भाई हमारे, और मोहित भाई काफी खुश नजर आ रहे हैं आज। आगे से नीमलू भी है, नीमलू। तो यहाँ पर एक अच्छी से पेंटिंग भी लगाई है इन्होंने यहाँ पे, काफी अच्छा बढ़िया नया खुला है यहाँ पर रानीखेत में। ऐसी हो जाए पैसे कमाने में जरिए से। ये देखिए, सारे बुकर एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं, टेबल बुक कर ली गई है, लेकिन पहले टेबल बुक कर ली है, झूले में बैठी हैं यहाँ पे। बचपन याद करती थी। हमारे मोहित भैया जिनका बर्थडे है, उनके लिए केक भी आया है, गिफ्ट भी आया है। ये देखिए, एक बुकर दे सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रानीखेत के, क्या है, डोला पार्की रिजॉर्ट में। तो यहाँ पे ये जो रानीखेत में अर्बन प्रॉपर्टी बैंक के टॉप फ्लोर पे स्थित है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, डोलिया पार्क नाम से है। तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था, वैसे काफ़ी मैनेज काफ़ी है, और टॉप में बिल्कुल, तो आप लोग भी आ सकते हैं। और बाकी आप लोगों ने केक वगैरह लिया है, और मैंने देख ही लिया है, आप क्या सरप्राइज है, और वाओ केक में नाम लिखा है हमारे YouTube चैनल का MNA2Z, ये सबसे सरप्राइजिंग है। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बाकी तो हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है, केक कटिंग कर ली है, चलो हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू। काफी खूबसूरत दिख रहे हैं आप मोहित भाई हमारे, ये देखिए। ओहो, काफी सुंदर दिख रहे हैं आप मोहित भाई हमारे, बहुत सुंदर, काफी सुंदर, क्या स्मेल दिया है केक के साथ, ये देखिए, बहुत मजा आया।
बाल वाले कलर करके आए हैं मोहित भाई। मोहित भाई एक डांस दिखाएंगे अपने गाने में। सर धो के आ रहे हैं, अब तो कुरकुरे बन चुके हैं मोहित भाई हमारे यहाँ पे। नाच दिखाएंगे अब यहाँ मोहित भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, तो बहुत गंदा किया है। इतना मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना भरेंगे और पूरे बाल गंदे करते हैं, पूरे नाच ऐसे करते हैं, कमीज गंदी हो गई है। बहुत बेकार। तो मोहित भाई एक डांस दिखाइए, एक एक डांस तो बनता है। मोहित भाई बड़े डांस दिखाएंगे यहाँ पे। फाइनली इन लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया, इतना गंदा बैंड बजा दी कि उम्मीद नहीं थी ऐसा बैंड बजेगा करके। काफी सालों में आज आगे बोल रहे हैं, केक से मुंह धोने के बाद फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और देख सकते हैं कितना स्मार्ट आ रहा हूँ मैं। पहले लोग दे रहे हैं, गिफ्ट छोटा है लेकिन प्यार बहुत बड़ा है। देख लीजिए दो गिफ्ट मिल गए। अनबॉक्सिंग हो रही है यहाँ पे गिफ्ट की। तस्वीर काफी अच्छी है। ओह माय गॉड, ये देखिए। तो अभी आपको ब्लॉग में दिखी होगी जो भी भावना जब आपको रोड पे मिली थी, तो उसी के साथ जब गए थे तब की फोटो दिए। चमक रहा है अभी जो हम जा रहे हैं और हमारे खाना खा रहे हैं, बढ़िया करके इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और सती भाई का तो गाइस फाइनली हमने एक ब्लॉग से काट लिया है और अब लोग हम जा रहे हैं यहाँ से, तो बढ़िया करके। और आज का जो ब्लॉग है स्टार्टिंग पवन भाई ने करी है ब्लॉग में, तो बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाया पवन भाई ने, शूट किया होगा। और हम लोग भी जा रहे हैं, तो गाइस बड़ा अच्छा सरप्राइज भी रखा इन लोगों ने और अच्छा था, बहुत काफ़ी मूवमेंट फन लास्ट मूवमेंट है। और मैं शायद ही आज दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसके बाद पूरे 5 साल की जर्नी भी ख़त्म हो जाएगी और एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी बड़ा हम हमेशा 24 घंटे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि क्या करना है इसके बाद। पर जो भी थोड़ा बहुत के लिए फन होता है तो ये बड़ा सा हम लोगों के लिए बहुत। गाइस थोड़ा लुक में चेंज है क्योंकि लुक में तो कोई चेंज नहीं है, मतलब फेस पर जो ये चंदन लगा है ये कुछ अलग दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि अभी तक वीडियोस में चंदन वंदन नहीं था। तो ये क्यों लगाया है इसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है, बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद की जो वीडियो आएगी, और उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। और उस वीडियोज़ में हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जुड़ी हुई है, तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और गाइस फाइनली लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया और बाकी मुझे तो अच्छा लगा। बाकी हमारे आज पवन भाई ने ब्लॉगिंग की है, तो पवन भाई से हम पूछते हैं कि मतलब पवन भाई तुम्हें आज किस प्रकार का मतलब ब्लॉगिंग करने में कैसा लगा, मतलब काफ़ी बढ़िया है।
नई नई चीज़ें हैं, सीखनी भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इससे ये होता है ना, हमारी हेजिटेशन दूर हो जाती है, मतलब कैमरे के आगे से बोलने से ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या बोलूँ, पहले तो शब्द कम हो जाती है, एक तो शब्द आगे जाने के लिए, हाँ एक तो शब्द आते हैं एकदम से, तो मतलब करना चाहिए ट्राई, भले तो एक प्रोफेशनल नहीं करना चाहिए तो मतलब थोड़ा बहुत अपना जब मूवमेंट्स होते हैं शेयर बना लीजिए। हाँ बस बस बस, तो मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं किया मेरे को इसमें सक्सेस मिल जाएगी वह वगैरह है, मतलब ये सोचिए करना मत, तो होगा भी नहीं, ये तो होगा भी नहीं फिर, यही वाली बात है ना। और बाकी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहा और आज का दिन बहुत अच्छा बन गया है, दिन बन गया मतलब आज का दिन ही बन गया और मेमोरीज बन गई, एक बड़ी बात सबसे बड़ी बात ये है कि मेमोरीज बन गई और ये फाइनल की मेमोरीज जिंदगी भर याद रहेंगी, क्योंकि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल करें, दोबारा बोल दीजिए हमारे मोहित भाई के चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और शेयर तो इतना दबा के कीजिएगा कि, और बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन तो बेल आइकन, ये आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आज के दिन में काफी शुभचिंतकों के सुबह से लेकर दिन भर तक पूरे मैसेज आए थे और अभी काफी शुभचिंतकों के हमने मैसेजों के रिप्लाई नहीं किए हैं, उनके भी मैसेजों के रिप्लाई करेंगे और कुछ दोस्त को पार्टी वगैरह में नहीं आए थे तो उनके लिए मैं माफ़ चाहता हूँ कि हर किसी के साथ बाद में आएगा, आज भविष्य में हम कुछ बन जाएंगे और ऐसी बर्थडे सेलिब्रेशन करने का मौका मिला तो हर किसी के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना थोड़ा सा हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, तो वो चीज़ों की वजह से बहुत से फ्रेंड्स कह रहे होंगे कि हमें नहीं बुलाया, तो ऐसा उनके लिए कोई खेद नहीं है, प्यार तो हर किसी के साथ है, मोहब्बत और प्यार बना रहना चाहिए, बाकी क्या है ना, जिंदगी एक बार मिलती है बार-बार थोड़ी मिलती, बिल्कुल बिल्कुल बस ठीक है। तो आज गाइस इस ब्लॉग को फिलहाल तो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपको मिलते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में, जो मैंने बोला है कि जिसलिए मैंने चंदन लगा है, तो मिलते हैं उस वाले ब्लॉग में।